निर्दोष भाई फंस गया तो फिर जो होगा उसकी कल्पना करना यहाँ के प्रशासन के लिए अकल्पनीय होगा। प्रशासन अगर मुकदमे करेगा हम लोगों के ऊपर फर्जी तरीके से, तो हम भी दबाव बनाकर उसको हटवाने की क्षमता रखते हैं। कल करीब 1 बजे भारी भीड़ के साथ करणी सेना के अध्यक्ष वीरू सिंह जयसिंहपुर कोतवाली पहुंचे और पुलिस प्रशासन के ऊपर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए नजर आए। कल करीब 1 बजे भाई ने बताया कि बीते दिन बिरसिंहपुर में हुई घटना में कई लोगों के खिलाफ नामजद, चोरी, मारपीट, छेड़छाड़ जैसी गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की गई है, जिस संबंध में कल करीब 1 बजे भारी भीड़ के साथ करणी सेना के अध्यक्ष वीरू सिंह जयसिंहपुर कोतवाली पहुंचे। वहां अधिकारियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आप लोगों ने किसी के दबाव में आकर एक पक्ष के ऊपर फर्जी FIR लिखी है। इस FIR में एक व्यक्ति का नाम है जिसकी उम्र लमसम 65 वर्ष है। हालांकि काफ़ी देर तक बात हुई, उसके बाद जब CO साहब से उन्होंने बात की तो CO साहब से बात करने के बाद बताया कि CO साहब ने आश्वासन दिया है इसमें निष्पक्ष कार्रवाई होगी, जिसके बाद सारे लोग नारा लगाते बाहर निकल गए। जयसिंहपुर कोतवाली में करणी सेना के अध्यक्ष वीरू सिंह के साथ सनी सिंह, वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्याय। ये देखते हैं मीडिया से उन्होंने क्या बात की और क्या बताया। ब्यूरो रिपोर्ट अपना सुल्तानपुर। घेराव नहीं है, ये अपनी बात रखने आए थे। घेराव अगर होता तो इस लेवल पे नहीं होता। घेराव होता तो फिर आपको 4 किलोमीटर पहले हम लोग बाइट लेनी पड़ती। क्या मामला था जो आज आप लोग? मामला ये है कि कुछ दिन पहले यहाँ पे 2 लोगों के लेन देन में कुछ विवाद हुआ, जहाँ पे बीरसिंहपुर मार्केट में वहाँ पे जात सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। एक जात विशेष ब्राह्मण और क्षत्रियों को टारगेट किया गया और फर्जी FIR दर्ज करा दिया गया। प्रेशर में आके डकैती, छिनैती, लूट और छेड़खानी का, जबकि कुछ इसमें जेन्युइन है ही नहीं, जेन्युइनिटी है नहीं, दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। केवल और केवल प्रेशर में आके प्रशासन ने ये मुकदमा लिख दिया और अभी हम लोगों की बात हुई है। यहाँ के CO साहब ने आश्वासन दिया है कि सब कुछ अच्छा होगा, किसी निर्दोष को नहीं फंसाया जाएगा। और मैं मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, अगर एक भी निर्दोष भाई फंस गया तो फिर जो होगा उसकी कल्पना करना यहाँ के प्रशासन के लिए अकल्पनीय होगा। क्या जो आपको यहाँ वो दिया गया आश्वासन दिया, क्या आपसे संतुष्ट हैं? अभी संतुष्ट हैं तभी तो जा रहे हैं, यहाँ के लोग संतुष्ट हैं। नहीं संतुष्ट होते तो शायद नहीं जाते। हम उसमें गए बिना संतुष्टि लिए ही नहीं जाते जी। अगर आपके जिस तरह से संतुष्ट करके भेजे हैं, अगर ये नहीं पूरा होता तो आप लोग क्या करेंगे? मैंने बताया तो अभी तो जस्ट बोला कि अगर संतुष्ट नहीं होंगे उसके बाद की जो चीज़ें होंगी वो कल्पना के परे होंगी। धन्यवाद। थाने पर जो है बिरसिंहपुर मार्केट में कुछ घटनाक्रम हुआ था, उसमें जो है फर्जी तरीके से 18-20 लोगों के नाम मुकदमा पंजीकृत हुआ। उसमें डकैती, छिनैती और उसमें जो है छेड़छाड़ का मुकदमा जो है लगा दिया गया। एक सज्जन है हमारे, उनकी उम्र जो है 60 साल है और वो 60 साल के बुजुर्ग क्या किसी साथ छेड़छाड़ करेंगे? तो ऐसे फर्जी प्रकार से के मुकदमे लगा करके लोगों को जो है, तो उसी के उसमें जो हम लोग यहाँ आए थे और CO साहब से हमारी वार्तालाप हुई, जिसमें CO साहब ने आश्वासन दिया है कि कोई भी निर्दोष में फंसाया नहीं जाएगा और उन्होंने और जो है सभी को जो है परी दबाव बना तो क्या करेंगे आप? अगर इसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होता, बताने की आवश्यकता नहीं, आप लोग देखेंगे क्या होगा। अगर ये है कि भाई अगर किसी के दबाव में प्रशासन अगर मुकदमे करेगा हम लोगों के ऊपर फर्जी तरीके से, तो हम भी दबाव बनाकर उसको हटवाने की क्षमता रखते हैं। क्या CO साहब के बातों से आप संतुष्ट? हाँ, पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। उन्होंने पूरा सनी सिंह, वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, करणी सेना। सुल्तानपुर से जुड़ी रोजाना वीडियो देखने के लिए अपना सुल्तानपुर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। अगर आप यह वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका हमारे लिए कोई सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।